हाय, मैं हूं निकिता शर्मा और आप लोग देख रहे हैं INN24। देखते रहिए। नमस्ते, मैं हूं अभिषेक बच्चन, कीप वॉचिंग INN24। नमस्कार, मैं हूं पायली चौहान, स्वागत है आपका INN24 पर। जमुआ में पंचायत समिति की बैठक बुधवार को प्रमुख सुलोचना देवी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पूर्व में लिए गए 31 प्रस्ताव की समीक्षा की गई। बैठक शुरू होते ही उपप्रमुख चंद्रशेखर राय ने कहा, पंचायत समिति में ली जा रही प्रस्ताव पर पदाधिकारी अमल करें, हम लोग को गुमराह करने की आदत छोड़े, अब बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा, क्षेत्र में कार्य करें। नवाडी पंचायत समिति सदस्य मथुरा प्रसाद कुशवाहा ने सदन को अवगत किया कि नवाडी मुखिया गीता देवी वर्ष 2014-15 में MBM से बनने वाले शौचालय की लाभ स्वयं ले ली हैं, साथ ही वर्तमान समय में रुपए लेकर लाभुकों को शौचालय दे रहे हैं। सदन में पंचायत समिति सदस्यों ने जमुआ को पूर्ण रूप से सुखाड़ क्षेत्र घोषित कराने की प्रस्ताव पारित किया। जगन्नाथ डी पंचायत समिति सदस्य लक्ष्मी देवी ने कहा कि मेरे पंचायत के अधिकतर जन वितरण प्रणाली दुकानदार कार्डधारियों को 5 किलो कम राशन दे रहे हैं। मिर्जागंज अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया। मिर्जागंज टोला मिश्र डी में बन रहे पुलिया कार्य में कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ का लाभ लेने के लिए विकास कार्य में बाधक बने हैं, कार्य चालू किया जाए। BDO विनोद कुमार कर्मकार ने सदन में मौजूद पंचायत समिति सदस्यों को आश्वस्त किया कि कृषि विभाग ने किसान के खेतों में लगे धान की फसल की क्रॉप कटिंग के माध्यम से जाँच कर जिले को भेज दिया गया है। आज पंचायत समिति की बैठक में उपस्थित हमारे 32 विभाग हैं, जिसमें पूर्ण रूप में सभी विभाग नहीं पहुंचते हैं। इसका हमारे पंचायत समिति के सदस्यों में बड़ा रोष होता है, समस्या है, या अंचल की बात हो या PDS की बात हो। आज हमारे यहाँ जो अंचल की स्थिति है, इतना दयनीय स्थिति हो चुकी है, जिसमें अब पूर्व में जो झरनेट में जो चढ़ा वो जो आज लोग को नहीं मिल पा रहा है, सारा प्लॉट सबका झरनेट में नहीं चढ़ा और हमारे किसान बेसहाय लोग जो है सो दर दर भटक रहे हैं और जो है सो अंचल का अंचल कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। आज हम लोगों ने इसको यहाँ मुद्दा CEO के पास हम लोग रखा और CEO साहब ने आश्वस्त करवाया कि इसको हम लोग निश्चित रूप में 2-4-5 दिन अंदर पहल करके हम लोग ये करेंगे। आज पंचायत समिति में हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे पंचायत समिति सदस्य थे जिन्होंने कहा कि दिसंबर माह का चावल जो सो वितरण नहीं किया गया, इसके लिए हम लोग जाँच कमेटी गठित किए हुए हैं और जाँच कमेटी के द्वारा इसको हम लोग देखेंगे कि किस पंचायत में किस डीलर के द्वारा दिसंबर माह का चावल नहीं दिया गया। आज हमारे स्वास्थ्य विभाग से भी जो है सो पदाधिकारी पहुँचे थे, उन्होंने अपना जो जानकारी था उसके बारे में बताया और सामान्य स्थिति चल रही है, लेकिन अभी भी हमारे पंचायत समिति के सदन में पंचायत समिति के सदस्यों का एक तरह से कहा जाए कि निराशजनक स्थिति है। लोग 54 मेंबर जो हम हैं उसमें सारे मेंबर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये सरकार की मूलभूत सुविधा कहा जाए या दुख कहा जाए, जो पंचायत समिति चुनाव हमारे पंचायत स्तर पर जितने जीत के आए, शायद उनको एक वो मात्र 500 का वेतन देके रोक दिया गया और इसके आगे कोई पहल नहीं किया गया। ये बड़ा दुर्भाग्य जो है स्थिति पंचायत समिति का रहा। बेरमो गोमिया के छिलका पुल के समीप स्थित साईं बाबा धाम मंदिर का बुधवार को वार्षिक उत्सव मंदिर कमेटी द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां भव्य रूप से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान सैकड़ों महिला पुरुष शामिल हुए, जहां आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव डॉक्टर लंबोदर महतो भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शोभा यात्रा कथारा 1 नंबर कॉलोनी से निकाली गई, जो मुख्य मार्ग होते हुए कथारा 4 नंबर कथारा मोड़ होते हुए गोमिया स्थित साईं बाबा धाम मंदिर शोभा यात्रा पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने साईं बाबा की अनोखे प्रतिमा का दर्शन कर मत्था टेका और अपने व अपने परिवार के लिए कुशल मंगल की कामना की। जमशेदपुर पूर्वी सिंह भूम जिले में अवैध तरीके से चोरी चुपके कई चिमनी और बांग्ला ईटा भट्ठा खोला गया है और सरकार को करोड़ों रुपए सालाना राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। बताया जा रहा है कि नदियों की बड़े पैमाने पर मिट्टी की कटाई भी हो रही है, वही खासकर पोटका क्षेत्रों में भी बंगला और चिमनी ईटा भट्ठा जहां तहां खोला गया है।
वहीं इस मामले में 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष हलधर दास और स्थानीय लोगों ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम जिले में चिमनी और बांग्ला ईंट भट्ठा अवैध तरीके से चल रहा है और सरकार को राजस्व का काफी नुकसान हो रहा है। जल्द ही मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत करेंगे ताकि अवैध ईंट भट्ठा खोलने वालों पर कार्रवाई हो। मामला यह है, पूरा पूर्वी सिंहभूम में जो ईंटा भट्ठा चल रहा है पूरा अवैध तरीके से चल रहा है, ना एलों का लेबर भी जो लगा रहा, लेबर का ना कोई लेबर बोर्ड है ना कुछ, मतलब अवैध तरीके से सब चल रहा है। ये सब का कोई कागजात लाइसेंस कुछ नहीं है, जो भी भट्टा चल रहा। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आप ये हम लोग खनन विभाग से शिकायत करेंगे। और पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत फुटका प्रखंड में, पूर्वी सिंहभूम में सारा है जो बांग्ला भट्टा और चिमनी भट्टा इतना अवैध रूप से चला रहा है कि एक तो मिट्टी खनन कर रहा है और सरकार को टैक्स भी नहीं दे रहा है। ये तो पूरा सरासर सरकार का धोखा दे रहा है। इसके बारे में हम सीएम को भी लिखेंगे और डीसी के साहब को लिखेंगे, लोगों पर ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और ये वाला बात तो 20 सूत्री में बात उठाएंगे और जब ये मतलब जो जिला प्रभारी है 20 सूत्री का प्रभारी उससे भी बात उठाएंगे। ईंट भट्टों में अभी जितने भी आवेदन हम लोगों को प्राप्त हुए हैं उन सभी आवेदनों पर हम लोग जाँच कर रहे हैं, सभी का फील्ड वेरिफिकेशन किया जा रहा है और उसके हिसाब से जिनको पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, उन लोगों को अनुगति दी जा रही है एवं हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं कि चिन्हित भी कर रहे हैं कि जिले में जितने भी इस तरीके के आवेदन जिनको पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं है उन सभी पर हम लोग कार्रवाई करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही इस पर कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। जिनको उन लोगों को अनुगति दी गई है और आगे भी अनुगति दी जाने की कार्रवाई की जा रही है, कुछ जांच चल रहे हैं, नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए उनको दी जाएगी एवं अन्य जितने भी बचेंगे उन सब पे विभाग निश्चित रूप से कार्रवाई कर दंड के रूप में या जिस तरीके के रूप में नियमानुसार कार्रवाई करनी पड़ेगी हम लोग निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। सुशासन के अच्छे दिन बक्सर में देखने को मिला, जहां एक बेबस माँ और बाप ठेले पर अपने बच्चे का इलाज कराने भटक रहे, जो एक बेबसी की कहानी बयां कर रहा है। सरकारी तंत्र मुखदर्शक बनकर इस बेबस बच्चे के इलाज के लिए इधर से उधर और अब पटना बनारस का चक्कर लगाने की सलाह देकर अपने जिम्मेदारियों से मानो मुक्त हो गया है। बेबस बाप अपने औलाद को भगवान भरोसे इलाज के लिए घर लेकर चल पड़ा। बक्सर नगर के रामरेखा घाट के समीप स्लम बस्ती के रहने वाले महादलित परिवार के लोग अपने बच्चे के इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। बक्सर सदर अस्पताल का आपातकालीन सेवा द्वार पर लगे इस ठेले पर पैर की हड्डी टूटने के इलाज के लिए पहुंचे हैं महादलित परिवार। वहीं बक्सर सदर अस्पताल के हड्डी रोग विभाग के चिकित्सक डॉक्टर योगेंद्र कुमार बताते हैं कि मरीज का इलाज किसने किया पता ही नहीं, जबकि सदर अस्पताल में ही एक्सरे और पर्ची का इलाज यह बताने के लिए काफी है कि सरकारी अस्पताल कैसे चल रहा है। वहां एक स्थानीय व्यक्ति ने मदद के लिए भरोसा दिया और बताया कि वे इनका कंप्लेन आगे करेंगे। बक्सर जिले में दो दो मंत्रियों के रहते यही है यहां का सिस्टम। हुआ था तो फिक्सेशन करना था इस केस में, लेकिन चूंकि पेशेंट गरीब था और बाहर नहीं जा पा रहा था तो यहां पे हम थे और जोगिंदर सर मिल करके यहां पे प्लास्टर किया गया था और हड्डी अब ठीक है और 15 दिन के लिए बोले हैं कि और रखने के लिए उसका, तो प्लास्टर कट जाएगा आराम से, हड्डी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। करना होगा अभी, कर सकते हैं, दवा खरीदवा सकते हैं, सब चीज़ दे सकते हैं। डॉक्टर से बात करेंगे जाकर? जी, जाकर बात कर सकते हैं, बोलेंगे जो लागे या हम खर्च करेंगे, यहाँ पर आप इलाज करिए। लेकिन कितने दुखद है कि एक विकलांग बच्चा आता है उसके बाद सदर अस्पताल में उसकी इलाज नहीं की जाती है, उसकी माँ खेला चला करके आती है और डॉक्टर कहते हैं कि इलाज यहाँ नहीं होगा, क्या किया जाए? गरीब आदमी का हम सेवा करते हैं, बस उतने हम जानते हैं। क्या क्या हमें जो व्यवस्था है, अब तो सरकार यहाँ के जाने का व्यवस्था क्या है न है, हमें तो अपना मदद करते हैं। आप जाइएगा, बात करिएगा। जी, हम बात करके डॉक्टर साहब से बात करेंगे। भीतिहरवा पश्चिम चंपारण गांधी की कर्मभूमि भीतिहरवा की बेटियां अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर अनशन पर बैठी हैं। अनशन के दौरान एक पर एक छात्राओं की तबीयत बिगड़ती जा रही है, जिसकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी देखने तक नहीं आए। छात्रों ने कहा कि पूर्व में मुख्यमंत्री को लिखे खुले पत्र में कस्तूरबा इंटर कॉलेज की छात्राओं ने मुख्यमंत्री से मांग किया है कि सीएम अपने स्तर से पहल करके छात्राओं के फॉर्म भरने के लिए अविलंब मान्यता दिलाएं, लेकिन स्कूल में किसी के संपर्क नहीं करने से वे सभी एक दिवसीय आमरण अनशन पर बैठी हैं। छात्राओं ने मांग में पोशाक, साइकिल सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की गुहार लगाई है।
ग्रामीणों के प्रयास से राष्ट्रमाता कस्तूरबा गांधी की याद में सन 1986 से विद्यालय का संचालन किया जाता रहा है। अत्यंत पिछड़ा व थारू बहुल क्षेत्र में स्थित विद्यालय ग्रामीणों के सहयोग से लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रयासरत है, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक मान्यता नहीं मिलने के कारण आज तक यह अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने पर विवश है। मैंने अभी कस्तूरबा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय की बच्चियों का अनशन तोड़वाया हूँ। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। यह एक महासंजोग है कि मैं भीतीहरवा गांधी जी के आश्रम में आया था पुण्यतिथि के अवसर पर। जैसे ही मैं आश्रम से निकला हूँ तो बाहर निकलते ही यह मुझे दिखा कि यहाँ पर बच्चियाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद किनारे लगा रही हैं। मैं जब नज़दीक आया तो देखा कि दो बच्चियाँ यहाँ पर बेहोश होकर पड़ी हैं। मैंने यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी को फ़ोन लगाया है। चिकित्सा पदाधिकारी आए, उन लोगों ने, इन चिकित्सकों ने इनका चिकित्सीय जांच किया। मैंने मास्टर साहब से कहा कि आपने जो बच्चियाँ धरना दे रही हैं, यदि गार्जियन लोग होते तो ज़्यादा समझ में आता। मैं स्कूल पर गया हूँ, स्कूल को देखा हूँ। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जिस स्कूल के पास इतनी बड़ी ज़मीन है, लोगों ने ज़मीन राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री कर दिया है और व्यवस्थित तरीके से स्कूल चल रहा है, सिर्फ एक मान्यता का मामला है, सरकारी मोहर की बात है। और सरकारी मोहर नहीं मिलने की वजह से यह स्कूल भी कस्तूरबा गांधी के नाम से जो स्कूल हो, नारी शक्ति के नाम से जो स्कूल हो, उसकी मान्यता नहीं मिलना मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि मैंने लिख कर दिया है कि मैं ईमानदार प्रयास करूँगा, इसके लिए मैं जाना भी जाता हूँ। जिद करो, दुनिया बदलो, यही लोग मुझे जानते हैं। मैं इस विद्यालय के लिए बिल्कुल ईमानदार प्रयास करूँगा। मैंने यहाँ के प्रचार्ज को कहा है कि आप पटना आइए, मैं आपको अपने साथ भी रखूँगा और चलकर शिक्षा विभाग में, अभी आपके प्रधान प्रिंसिपल सेक्रेटरी आर के महाजन सर जो हैं उनको मैं जानता हूँ, स्वास्थ्य में भी रहे थे, वो बिल्कुल पॉजिटिव आदमी है, क्रिएटिव आदमी है। और हम लोग अपनी पक्ष को वहाँ रखें, निश्चित तौर पे इसकी मान्यता मिल जाएगी, क्योंकि सरकार को बहुत कुछ नहीं करना है। सारी सुविधाएं तो ऑलरेडी यहाँ पर उपलब्ध हैं, स्कूल हैं, कमरे हैं। नक्सली बंद का अंतिम दिन नक्सली द्वारा तांडव मचाया जा रहा है। क्षेत्र में जगह जगह नक्सली बैनर पोस्टर पाया जा रहा है। लोगों में दहशत का माहौल निर्मित है। नहीं चल रही कोई यात्री वाहन, यात्रियों में खासा परेशानियां देखी जा रही है। वैसे छत्तीसगढ़ के पखांजूर सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के तहसील कोरची के डोंगर गांव पुलिस थाना से महज 3 किलोमीटर दूरी पर नक्सलियों ने 2 JCB और 4 ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। उत्तर गढ़चिरौली डिविजनल कमेटी नक्सल बॉडी संगठन सरकार का जान विरोध बम्हनीय हिंदुत्व फंसी बाद नया भारत का सपना ध्वस्त करने का उल्लेख किया। वहीं 25 से 31 बंद का बैनर पोस्टर बांधे। कुरखेड़ा कोरची चिचगढ़ मार्ग पर भी बैनर बांधे। वहीं कुरखेड़ा कोरची मार्ग पर ट्रक को आग के हवाले किया गया। पेड़ काट कर रास्ते पर फेंकने से कुरखेड़ा कोरची मार्ग की यातायात बाधित हुई है। पलामू जिले के पांके प्रखंड के मजदूर किसान इंटर कॉलेज के कर्मी परमदेव सिंह की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई। मृतक तरहसी थाना क्षेत्र के कसमार पसहर गांव के रहने वाले थे। वे बुधवार की शाम बाइक से किसी काम से मेदिनी नगर जा रहे थे, तभी पांके मेदिनी नगर मुख्य पथ कुंदरी के पास बुलेरो धक्का मारकर फरार हो गया। इस दौरान वे गिर गए। ग्रामीणों ने उन्हें तत्काल मेदिनी नगर सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अखिल भारतीय छात्र मोर्चा तथा भीम आर्मी से जुड़े लोगों ने रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में विरोध मार्च निकाला। इन लोगों का कहना है कि सरकार नौकरियों में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं कर रही है, जिससे अति पिछड़ा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को काफी परेशानी हो रही है। इन लोगों ने केंद्र सरकार तथा बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भीम आर्मी के जिला प्रभारी अमित पासवान ने इसका नेतृत्व किया। अमित पासवान ने बताया कि मौजूदा सरकार दलित अल्पसंख्यक विरोधी है तथा विभागवार 13 पॉइंट आरक्षण को बंद करने और 200 पॉइंट आरक्षण प्रणाली को लागू करने की मांग कर रहे हैं। हम लोग अखिल भारतीय छात्र मोर्चा ABCM के बजट, हम लोग यहाँ पे संग्राम के सड़कों पर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
जिस तरह से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के साजिश के तहत तेरहवां रोस्टर को लागू किया गया है और 200 के विभागवार आरक्षण नियम को बंद किया गया है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को हम लोग चुनौती देते हैं, यहाँ पर प्रोफेसर ले लें, टीचर जितने भी हमारे कर्मचारी छात्र नहीं होने, सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं और ये अगर लागू नहीं होता तो पूरे देश में इसका विरोध करेंगे। ब्रिटेन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN 24 पर। नमस्कार। Please keep watching INN 24.